दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। तमाम राजनीतिक खबरों से बिल्कुल अलग आज सुबह सुबह एक बिल्कुल अलग तरह की खबर आई और उस पर बिल्कुल अलग तरह के रिएक्शन आए, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। 68 यानी कि 68 साल की उम्र में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे ने तीसरी बार शादी की। बहुत खुश लग रहे थे हरीश सालवे और उनकी शादी में बड़े बड़े लोग शामिल हुए, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, ललित मोदी जिन्हें आम भाषा में हम भारतीय भगोड़ा कहते हैं, लेकिन ललित मोदी बड़े आराम से इस शादी में दिखे। इसके अलावा भी हाई प्रोफाइल ये शादी रही, बहुत लिमिटेड गेस्ट थे लेकिन जो थे वो बड़े बड़े लोग, और खुद दूल्हा दुल्हन इस शादी में बहुत खुश दिखे। उन्होंने शादी की कुछ इस तरह से कस्में खाई, केक काटा और उसके बाद कुछ इस तरह से खुश होकर फोटोज खिंचवाई और बहुत अच्छे से अपने छोटा सा इंटीमेट शादी की जो सेरेमनी थी इसको एंजॉय किया। दोस्तों हरीश सालवे का दूल्हा बनने के अलावा यहाँ पर एक और चीज लोगों ने नोटिस की, लोगों ने बार बार हाईलाइट की, वो ये कि हरीश सालवे वन नेशन वन इलेक्शन जो मोदी जी का अब अचानक से नया नया ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है, जिसके लिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि खास तौर पर सत्र भी बुलाया जा रहा है, उसकी जो कमेटी बनाई गई है हरीश सालवे उस कमेटी के मेंबर हैं। इसीलिए बहुत सारे सियासतदानों ने हरीश सालवे की 68 साल में तीसरी शादी को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी से इसको जोड़ दिया। देखिए बिहार के नेता पप्पू यादव लिखते हैं, एक आदमी तीसरी शादी, ये है वन नेशन वन इलेक्शन के सदस्य। 68 साल की उम्र में जब कब्र में पांव लटका है ये अपने लिए तीसरी बीवी चुन सकते हैं, लेकिन जनता जब चाहे तब उसको सरकार चुनने नहीं देंगे। वही कांग्रेस नेता अलका लांबा कहती हैं, एक आदमी तीन शादियां, हरीश सालवे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। वही कुमार मिहिर मिश्रा और रचना उपाध्याय जैसे लोगों ने एकदम सिंपल सी इस सेरेमनी की फोटो ट्वीट की, लेकिन हर किसी ने इस बात को हाईलाइट किया कि देखिए 68 साल की उम्र में तीसरी बार हरीश सालवे शादी कर रहे हैं। मनजीत सिंह लिखते हैं, कोर्ट में किसी को एक मौका नहीं मिलता, पैसे हो तो तीसरा मौका भी मिल जाता है। वही हरदीप सिंह सोही लिखते हैं, हरीश सालवे ने एक बार फिर से शादी कर ली, इस बात से सबक मिलता है कि कोशिश करते रहिए जब तक आपको सफलता न मिल जाए। वहीं आरब गौतम ने भी हरीश सालवे की तीसरी शादी और वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनके होने को हाईलाइट किया। तो लबोलबाब इस बात का यह है कि हरीश सालवे की 68 साल की उम्र में तीसरी शादी करना तो लोगों की नजरों में आया ही, साथ में ये बात भी नजर में आई लोगों की देखिए ये वो आदमी है जो उस कमेटी के मेंबर है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करे। हालांकि दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन का मसला और किसी 68 साल की उम्र में किसी आदमी को तीसरी शादी करने की इच्छा हो, किसी इंसान के लिए फीलिंग आए कि मैं इसके साथ अपनी बाकी की बिताना चाहता हूं, कि बिल्कुल अलग मसला है। और जाहिर तौर पर हरीश सालवे पूर्व सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, इतने बड़े वकील हैं, तो वो कानूनी तौर पर ही अपनी दो बीवियों से अलग हुए होंगे, जो भी उन्होंने तीसरी शादी भी की है वो भी कानूनी तौर पर संबंध ही होगी। तो मुझे लगता है कि किसी की निजी जिंदगी में इस तरह की टिप्पणियां करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं, जिसकी इस वक्त चैनल को बहुत जरूरत है।